ओम शांति। आज अव्यक्त मुरली 9 अगस्त 2020 की मुरली की हेडलाइन है, सर्वश्रेष्ठ रचना का फाउंडेशन स्नेह। आज की मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं। आज बाबा ने कहा कि इस समय की श्रेष्ठता के आधार पर सारा कल्प ही आप श्रेष्ठ रहते हो। आज की मुरली के अंदर बाबा ने स्नेह को फाउंडेशन कहा। बाबा ने कहा, जब स्नेह ईश्वरीय परिवार से मिलता है तो बाप के बन जाते हैं। स्नेह के कारण सभी बुराइयों को त्याग कर पाते हैं, सभी क्वेश्चंस समाप्त हो जाते हैं और बाबा के स्नेह में लीन होकर नई दुनिया के अधिकारी बन जाते हैं। बाबा ने कहा, स्नेह के फाउंडेशन वालों को कभी भी कोई मुश्किल बात नहीं लगती। स्नेह के कारण उमंग उत्साह बना रहता है और श्रीमत को खुशी खुशी पालन करते हैं। बाबा ने कहा, स्नेही आत्माएं भी सदा बड़ी दिल वाले भी होते हैं। छोटे दिल वाले तो थोड़ी थोड़ी बात में मूझते हैं और बड़े दिल वाले बड़ी बात को भी छोटी कर देते हैं। प्यारे बाबा ने ये भी कहा कि सेवा की विशेषता है ही स्नेह। स्नेह के कारण ही इस समय के सेवा के संस्कार बनते हैं, स्नेह के संस्कार बनते हैं। जब तक ज्ञान के साथ रूहानी स्नेह की अनुभूति नहीं होती तो ज्ञान कोई नहीं सुनता। बाबा ने कहा कि इस समय स्नेह के आधार पर ही आप पूज्य बनते हो। इस समय की श्रेष्ठता के आधार पर सारा कल्प श्रेष्ठ रहते हो और अभी तक आपके जड़ चित्रों की पूजा भक्त बहुत ही भावनाओं से करते हैं, भोग लगाते हैं, आरती करते हैं। आप पवित्र श्रेष्ठ आत्माएं अभी परमात्म प्रिय ब्राह्मण सुफरिश्ता आत्माएं बनते हो। बाबा ने कहा, चाहे भारतवासी हो चाहे विदेशी हो, सभी बच्चे दिल के स्नेह के कारण ही बाबा के दिल तक नसीन बनते हैं और भविष्य राज्य तक नसीन भी बनते हैं। बाबा ने ये भी कहा कि स्नेह ही सेफ्टी का साधन है। स्नेह के आधार पर सदा सेफ होकर आगे उड़ते चलते जाते हो। स्नेह का ही रूहानी संबंध जोड़ने का आधार है। स्नेह से जब मेरा बाबा कहते हो तो इस मेरे बाबा कहने से सारे खजाने मिल जाते हैं। यह बाबा शब्द ही अनोखी चाबी है सर्व खजानों की। तो आइए अब मुरली को विस्तार से सुनते हैं। आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ आत्माओं की रचना को देख रहे हैं। ये श्रेष्ठ व नई रचना सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं और अति प्रिय हैं, क्योंकि पवित्र आत्माओं की रचना है। पवित्र आत्मा होने के कारण अभी बाप दादा को प्रिय हो और अपने राज्य में सर्व के प्रिय होंगे। द्वापर में भक्तों को प्रिय देव देवताएं बनेंगे, आप ही देवात्माएं बनेंगे। इस समय हो परमात्म प्रिय ब्राह्मण आत्माएं और सत्युग त्रेता में होंगे राज्य अधिकारी परम श्रेष्ठ देवी आत्माएं और द्वापर से अब कलयुग अंत तक बनते हो पूज्य आत्माएं। तीनों में से श्रेष्ठ हो इस समय परमात्म प्रिय। इस समय की श्रेष्ठता के आधार पर सारा कल्प श्रेष्ठ रहते हो। देख रहे हो कि इस लास्ट जन्म तक भी आप श्रेष्ठ आत्माओं का भक्त लोग कितना आह्वान कर रहे हैं, कितना प्यार से पुकार रहे हैं। जड़ चित्र जानते भी आपको श्रेष्ठ आत्माओं की भावनाओं से पूजा करते, भोग लगाते, आरती करते। आप डबल विदेशी समझते हो कि हमारे चित्रों की पूजा हो रही है। भारत में बाप का कर्तव्य चल रहा है, इसलिए बाप के साथ आप सबके चित्र भी भारत में ही हैं। ज्यादा मंदिर भारत में बनाते हैं। यह नशा तो है ना कि हम ही पूज्य आत्माएं हैं, सेवा के लिए चारों ओर विश्व में बिखरे हुए हैं। कोई अमेरिका तो कोई अफ्रीका पहुंच गए हैं,
लेकिन किस लिए गए हो? इस समय सेवा के संस्कार स्नेह के संस्कार हैं। सेवा की विशेषता ही है स्नेह। जब तक ज्ञान के साथ रूहानी स्नेह की अनुभूति नहीं होती है तो ज्ञान कोई नहीं सुनेगा। आप सब डबल विदेशी बाप के बने हो तो आप सबका फाउंडेशन क्या रहा? बाप का स्नेह, परिवार का स्नेह, दिल का स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, इससे श्रेष्ठ आत्मा बन जाते हैं। तो सेवा का पहला सफलता का स्वरूप हुआ स्नेह। जब स्नेह में बाप के बन जाते हो तो फिर कोई भी ज्ञान की पॉइंट्स सहज स्पष्ट हो जाती है। जो स्नेह में नहीं आता वो सिर्फ ज्ञान को धारण करके आगे बढ़ने में समय भी लेता, मेहनत भी लेता, क्योंकि उनकी वृत्ति क्यों, क्या, ऐसा, कैसा इसमें ज्यादा चली जाती है। और स्नेह में जब लबलीन हो जाते हो तो स्नेह के कारण बाप का हर बोल स्नेही लगता है, क्वेश्चन समाप्त हो जाते। बाप का स्नेह आकर्षित करने के कारण क्वेश्चंस करेंगे तो भी समझने के रूप से करेंगे, अनुभवी होना। जो प्यार में खो जाते हो तो आकर्षित, तो जिससे प्यार है उसको वह जो बोलेगा उसको वह प्यार ही दिखाई देगा। तो सेवा का मूल आधार है स्नेह। बाप भी सदैव बच्चों को स्नेह से याद करते हैं, स्नेह से बुलाते हैं, स्नेह ही सर्व समस्याओं से पार कराते हैं। तो ईश्वरीय जन्म का, ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन ही है स्नेह। के फाउंडेशन वाले को कभी भी कोई मुश्किल बात नहीं लगेगी। स्नेह के कारण उमंग उत्साह रहेगा। जो भी श्रीमत बाप की है हमें करना ही है, देखेंगे करेंगे, यह स्नेही के लक्षण नहीं है। बाप ने मेरे प्रति कहा है और मुझे करना ही है, यह है स्नेही, आशिक आत्माओं की स्थिति। स्नेही हलचल वाले नहीं होंगे, सदा बाप और मैं तीसरा न कोई। जैसे बाप बड़े ते बड़ा है, स्नेही आत्माएं भी सदा बड़ी दिल वाली होती हैं। छोटे दिल वाले थोड़ी थोड़ी बात में मूझेंगे, छोटी बात भी बड़ी हो जाएगी और बड़ी दिल वालों के लिए बड़ी बात छोटी हो जाएगी। डबल विदेशी सब बड़े दिल वाले हो ना। बाप दादा सभी डबल विदेशी बच्चों को देख खुश होते हैं। कितना दूर दूर से परवाने क्षमा के ऊपर फिदा होने पहुंच जाते हैं, पक्के परवाने हैं ना। आज अमेरिका वालों का टर्न है। अमेरिका वालों को बाप कहते हैं आ मेरे, अमेरिका वाले भी कहते हैं आ मेरे, यह विशेषता है ना। वृक्ष के चित्र में आदि से विशेष शक्ति रूप के अमेरिका को दिखाया है। जब से स्थापना हुई है तो अमेरिका को बाप ने दिया याद किया है, विशेष पाठ है ना। जैसे एक विनाश की शक्ति श्रेष्ठ है, दूसरी क्या विशेषता है? विशेषताएं तो स्थान की है ही, लेकिन अमेरिका की विशेषता यह भी है, एक तरफ विनाश की तैयारियां भी ज्यादा है और दूसरी तरफ विनाश को समाप्त करने की यूएन भी है। वहां ही एक तरफ विनाश की शक्ति, दूसरी तरफ सभी को मिलाने की शक्ति, तो डबल शक्ति हो गई ना। वहां सभी को मिलाने के लिए प्रयत्न करते हैं तो वहां से ही फिर ये रूहानी मिलन का भी आवाज बुलंद होगा। वह लोग तो अपनी रीति से सभी को मिलाकर शांति का प्रयत्न करते हैं, लेकिन यथार्थ रीति से मिलाना तो आप लोगों का ही कर्तव्य है ना। वह मिलाने की कोशिश करते भी हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। वास्तव में सभी धर्म की आत्माओं को एक परिवार में लाना, यह है आप ब्राह्मणों का वास्तविक कर्तव्य। यह विशेषता करना है विशेष रूप से। जैसे विनाश की शक्ति वहां श्रेष्ठ है, ऐसे ही स्थापना की शक्ति का आवाज बुलंद हो। विनाश और स्थापना साथ साथ दोनों झंडे लहराएं, एक साइंस का झंडा और एक साइलेंस का।
साइंस की शक्ति का प्रभाव और साइलेंस की शक्ति का प्रभाव दोनों जब प्रत्यक्ष हो तब कहेंगे प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। जैसे कोई वीआईपी किसी भी देश में जाते हैं तो उनका स्वागत करने के लिए झंडा लगा देते हैं, अपने देश का भी झंडा लगाते हैं और जो आता है उनके देश का भी लगाते हैं। तो परमात्म अवतरण का भी झंडा लहरावे, परमात्म कार्य का भी स्वागत करे, बाप का झंडा कोने कोने में लहरावे, तब कहेंगे विशेष शक्तियों को प्रत्यक्ष किया। यह गोल्डन जुबली का वर्ष है ना, तो गोल्डन सितारा सभी को दिखाई दे। कोई विशेष सितारा आकाश में दिखाई देता है तो सभी का अटेंशन उस तरफ जाता है ना। यह गोल्डन चमकता हुआ सितारा सभी की आंखों में बुद्धि में दिखाई दे, यह है गोल्डन जुबली मनाना। यह सितारा पहले कहां चमकेगा? अभी विशेष विदेश में अच्छी वृद्धि हो रही है और होना ही है। बाप के बिछड़े हुए बच्चे कोने कोने में जो छिपे हुए हैं वह समय प्रमाण संपर्क में आ रहे हैं। सभी एक दो से सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। हिम्मत से मदद भी बाप की मिल जाती है। ना उम्मीद में भी उम्मीद के दीपक जग जाते हैं। दुनिया वाले सोचते हैं यह होना तो असंभव है, बहुत मुश्किल है, और लगन निर्विघ्न बनाकर उड़ते पंछी के समान उड़ाते पहुंचा देती है। डबल उड़ान से पहुंचे होना, एक प्लेन और दूसरा बुद्धि का विमान। हिम्मत उमंग के पंख जब लग जाते हैं तो जहां भी उड़ना चाहे उड़ सकते हैं। बच्चों की हिम्मत पर बाप दादा सदा बच्चों की महिमा करते हैं। हिम्मत रखने से एक से दूसरा दीपक जगकर माला बन जाती है। मोहब्बत से जो मेहनत करते हैं उसका फल बहुत अच्छा निकलता है। यह सभी के सहयोग की विशेषता है। कोई भी बात हो लेकिन पहले दृढ़ता स्नेह का संगठन चाहिए, उससे सफलता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है। दृढ़ता कलराठी जमीन में भी फल पैदा कर सकती है। आजकल साइंस वाले रेत में भी फल पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो साइलेंस की शक्ति क्या नहीं कर सकती। जिस धरनी को स्नेह का पानी मिलता वहां के फल बड़े भी होते और स्वादिष्ट भी होते हैं। जैसे स्वर्ग में बड़े बड़े फल और टेस्टी भी अच्छे होते हैं, विदेश में बड़े फल होते हैं लेकिन टेस्टी नहीं होते। फल की शक्ल बहुत अच्छी होती है लेकिन टेस्ट नहीं। भारत के फल छोटे होते हैं लेकिन टेस्ट अच्छी होती है। फाउंडेशन तो सब यहाँ ही पड़ता है। जिस सेंटर पर स्नेह का पानी मिलता है वह सेंटर सदा फलीभूत होता है, सेवा में भी और साथियों में भी। स्वर्ग में शुद्ध पानी शुद्ध धरती होगी तब ऐसे फल मिलते हैं। जहाँ स्नेह है वहाँ वायुमंडल अर्थात धरनी श्रेष्ठ होती है। वैसे भी जब कोई डिस्टर्ब होता है तो क्या कहते हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए सिर्फ स्नेह चाहिए। तो डिस्टर्ब होने से बचने का साधन भी स्नेह ही है ना। बाप दादा का सबसे बड़ी खुशी की बात की है कि खोए हुए बच्चे फिर से आ गए हैं। अगर आप वहां नहीं पहुंचते तो सेवा कैसे होती। इसलिए बिछड़ना भी कल्याणकारी हो गया और मिलना तो है ही कल्याणकारी। अपने अपने स्थान पर सब अच्छे उमंग से आगे बढ़ रहे हैं और सभी के अंदर एक लक्ष्य है कि बाप दादा की जो एक ही आश है कि सर्व आत्माओं को अनाथ से सनाथ बना दें, यह आश हम पूर्ण करें। सभी ने मिलकर जो शांति के लिए विशेष प्रोग्राम बनाया है वह अच्छा है। कम से कम सभी को थोड़ा साइलेंस में रहने का अभ्यास कराने के निमित्त तो बन जाएंगे। अगर कोई सही रीति से एक मिनट भी साइलेंस का अनुभव करे तो वह एक मिनट की साइलेंस का अनुभव बार बार उनको स्वतः ही खींचता रहेगा, क्योंकि सभी को शांति चाहिए,
लेकिन विधि उनको नहीं आती है, संग नहीं मिलता है, जबकि शांति प्रिय सब आत्माएं हैं। तो ऐसी आत्माओं को शांति की अनुभूति होने से स्वतः ही आकर्षित होते रहेंगे। हर स्थान पर अपने अपने विशेष कार्य करने वाले अच्छी निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो कमाल करना कोई बड़ी बात नहीं है, आवाज फैलाने का साधन है ही आजकल की विशेष आत्माएं। तो जितना कोई विशेष आत्माएं संपर्क में आती है, तो उनके संपर्क से अनेक आत्माओं का कल्याण होता है। एक वीआईपी द्वारा अनेक साधारण आत्माओं का कल्याण हो जाता है। बाकी समीप संबंध में तो नहीं आएंगे, अपने धर्म में, अपने पाठ में उन्हों को विशेषता का कोई ना कोई फल मिल जाता है। बाप को पसंद तो साधारण ही है, समय भी वह दे सकते हैं, उन्हों को तो समय ही नहीं है, लेकिन वह निमित्त बनते हैं तो फायदा अनेकों को हो जाता है। अच्छा, कुछ पॉइंट्स पार्टियों के साथ। सदा अमर भव के वरदानी आत्माएं हैं ना, ऐसा अनुभव करते हो? सदा वरदानों से पलते हुए आगे बढ़ रहे हो ना? जिनका बाबा से अटूट स्नेह है, वह अमर भव के वरदानी हैं। सदा बेफिकर बादशाह हैं। किसी भी कार्य के निमित्त बनते भी बेफिकर रहना यही विशेषता है। जैसे बाप निमित्त तो बनता है ना, लेकिन निमित्त बनते भी न्यारा है, इसलिए बेफिकर है। ऐसे फॉलो फादर, सदा स्नेह की सेफ्टी से आगे बढ़ते चलो। स्नेह के आधार पर बाप सदा सेफ कर आगे उड़ा के ले जा रहे हैं, ये भी अटल निश्चय है ना। स्नेह का रूहानी संबंध जुड़ गया, इस रूहानी संबंध से कितना एक दो को प्रिय लगने लगे। बाप दादा ने माताओं को एक ही शब्द की बहुत सहज बात बताई है, एक शब्द याद रखो, मेरा बाबा। बस मेरा बाबा कहा और सब खजाने मिले। यह बाबा शब्द ही चाबी है खजानों की। माताओं को चाबियां संभालना अच्छा आता है ना, तो बाप दादा भी चाबी दे रहे हैं। जो खजाना चाहो वो मिल सकता है, एक खजाने की चाबी नहीं है, सभी खजानों की चाबी है। बस बाबा बाबा कहते रहो, तो अभी भी बालक सो मालिक और भविष्य में भी मालिक, सदा इसी खुशी में नाचते रहो। अच्छा, आज का मीठा वरदान, निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर वन भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव। निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर वन भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, वह कभी कैसे व ऐसे के विस्तार में नहीं जाते। उनके निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देती है। उनके निश्चय की रेखा की लाइन बीच बीच में खंडित नहीं होती। ऐसी रेखा वाले के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। वे जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी होंगे, सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे, सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। यही है नंबर वन भाग्य की रेखा। आज का स्लोगन है, बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना, माना प्रसन्न चित रहना। अच्छा, ओम शांति।